जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम सुनेंगे बसौड़ा की व्रत कथा। बसौड़ा को बासौड़ा या फिर शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या अपने अपने क्षेत्र के आधार पर होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार, गुरुवार या फिर शुक्रवार को मनाया जाता है, परंतु रविवार, शनिवार अथवा मंगलवार को शीतला माँ का पूजन नहीं करना चाहिए। हालांकि इन दिनों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाती है तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों और दोषों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत करने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए अब कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी अमाई रहती थी। शीतला माता का जब बसौड़ा आता तो वह ठंडे भोजन से कुंडे भरकर पूजन करती थी और स्वयं ठंडा भोजन ही करती थी। उनके उस गांव में कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें उस बुढ़िया माई की झोपड़ी को छोड़कर बाकी सारी झोपड़ियां जल गईं, जिससे सभी को बहुत दुख हुआ। इसके साथ ही बुढ़िया माँ की झोपड़ी को सही सलामत देकर बहुत ही आश्चर्य भी हुआ। तब सब लोग उस बुढ़िया माई के पास चले गए और इसका कारण पूछने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो बसौड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ, तुम लोग ये काम नहीं करते हो। इसी कारण से मेरी झोपड़ी शीतला माता की कृपा से बच गई और तुम सबकी झोपड़ियां जल के नष्ट हो गई। लोगों को ये बात समझ में आ गई और वे भी शीतला माँ की महिमा को स्वीकार करने लगे। तभी से बसौड़े के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी और सभी लोग एक दिन पहले बने हुए बासी भोजन को खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी भी रक्षा करना। कहानी सुनने वालों पर, कहानी कहने वालों पर और हुंकार भरने वालों पर, सभी पर अपनी कृपा बनाए।